हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक वन मॉड्यूल टू मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी ओके एंड Today we will read chapter 4, which is chemical reaction and equations. So let's start our new chapter. Every day we observe different types of changes in our surroundings. Some of these changes are very simple and are of temporary nature. Some others are really complex and of permanent nature. When ice kept in a tumbler is exposed to the atmosphere, it melts and is converted into water. When the tumbler containing this water is kept in a freezer, it is converted again into ice. Thus, this is a temporary change and the substance comes to its original form. Such changes are physical changes. However, milk once converted into curd cannot be converted into milk again. Such changes are chemical changes. These changes are of permanent nature. Both physical and chemical changes are integral part of our daily life. We can present these changes in the form of an equation. In this lesson, we shall discuss how to write and balance chemical equations. We shall also describe different types of chemical reactions. तो हम लोग अपने daily life में बहुत सारे changes देखते हैं अपने surroundings, अपने चारों ओर। कुछ जो ये changes होते हैं बहुत simple होते हैं और temporary nature के होते हैं, और जो कुछ changes होते हैं वो complex होते हैं और permanent nature के होते हैं। जैसे कि हम लोग जो ice को एक tumbler में रख दिए, उसके बाद उसको हम लोग atmosphere में रख दिए, तो वो धीरे धीरे melt होने लगेगा और उसके बाद water में convert हो जाएगा। और जब यही water को हम लोग tumbler में डाल के उसके बाद उसको freezer में रख दे तो फिर से ice में convert हो जाएगा। और ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है? टेम्पररी चेंज है, और इसमें जो सब्सटेंस है वो चेंज होके वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इस चेंजेस को फिजिकल चेंज बोला जाता है। लेकिन जो मिल्क एक बार अगर दही में बदल गया तो वो फिर से मिल्क में नहीं चेंज हो सकता है, और ये जो चेंज है ये परमानेंट नेचर का है और इसे केमिकल चेंज बोला जाता है। जो फिजिकल और केमिकल जो दोनों चेंज है वो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, और हम लोग इसको इक्वेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। और हम लोग इस चैप्टर में, इस लेसन में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को राइट कैसे लिखे, कैसे बैलेंस करें उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। केमिकल इक्वेशंस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड many chemical changes in nature, in your surroundings and in your daily lives. Let us perform a few activities to observe changes. तो आप लोग बहुत सारे केमिकल चेंजेस के नेचर को आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने सराउंडिंग्स में, अपने डेली लाइफ में। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे और उसकी चेंजेस को, जो भी चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो हियर इज अ एक्टिविटी 4.1। सो लेट्स रीड दिस एक्टिविटी। Take a 2 cm long magnesium ribbon, clean it with a piece of sandpaper, hold it firmly with a pair of tongs, heat it over a spirit lamp or a burner until it burns. Keep the ribbon as far as possible from your eyes. What do you observe? The magnesium ribbon burns with a dazzling light and liberates a lot of heat. It is soon converted into a white powdery substance. So here is the figure 4.1 which shows burning of magnesium ribbon. तो आपको करना है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 2 cm लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसके बाद उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है और उसे चिमटे की मदद से उस को पकड़ना है उस रिबन को। उसके बाद उसको आपको हीट करना है, बुनसन बर्नर की हेल्प से कीजिए या फिर स्प्रिंट लैम्प से कीजिए। फिर उसके बाद जो रिबन है उसको अपने आंखों से जितना हो सके संभव उतनी दूर दूरी रखिए, ठीक है? तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, जो मैग्नीशियम रिबन से वो एक डार्जलिंग लाइट, इट मीन्स बहुत ही शाइन करते हुए वो जल रहा है और बहुत सारे हीट को लिब्रेट कर रहा है, मीन्स हीट को बाहर निकाल रहा है, और ये जो है वो तुरंत जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वाइट पाउडरी सब्सटेंस, इट मीन्स एस में। So take a few zinc granules in a
conical flask or in a test tube, add dilute sulfuric or hydrochloric acid to it. What do you observe? There is evolution of gas from the test tube. If you touch the bottom of the test tube, you will find that it has become quite warm. You can perform many more such activities in the laboratory, in the activity room. तो आपको क्या करना है, फ्यूज जो जिंक ग्रेन्यूल्स है उसको कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब में ले लेना है. उसके बाद उसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करना है. डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जिसमें वाटर मिक्सड हो. ओके, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पे कुछ गैस है, उसका इवोल्यूशन हो रहा है टेस्ट ट्यूब में. और जब आप उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करोगे तो आप क्या फाइंड करोगे कि वो थोड़ा गर्म हो चुका है. आप ये जो एक्टिविटीज है उसको, और भी ऐसे एक्टिविटीज है जिसे आप अपने लेबोरेटरी में या फिर एक्टिविटी रूप में परफॉर्म कर सकते हो. सो हाउ डज वन डिस्क्राइब दिस केमिकल चेंजेस, तो हम लोग इस केमिकल चेंजेस को कैसा डिस्क्राइब करेंगे. सो लेट्स सी, द टू रिएक्शंस मेंशन्ड अबव कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज फॉलो. तो हम लोग ने जो दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, एक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और फिर एक हम लोगों ने पढ़ा जिंक ग्रेन्यूल्स को हम लोगों ने सल्फ्यूरिक डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया. उस रिएक्शन को भी हम लोगों ने पढ़ा, एक्टिविटी को पढ़ा. तो हम लोग देखते कि इसको हम लोग वर्ड में कैसे मेंशन कर सकते हैं. सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन है, रिएक्टेंट्स है. और ये इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और यहाँ पे सेकंड जो एक्टिविटी था हम लोग का, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. अ सब्सटेंस विच अंडरगोज अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस विच इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. इन रिएक्शन फर्स्ट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अंडरगो केमिकल चेंज एंड दे आर द रिएक्टेंट्स. इन रिएक्शन टू जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर द रिएक्टेंट्स. सिमिलरली इन रिएक्शन वन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इट इज द प्रोडक्ट. कैन यू नाउ सी वॉट इज द प्रोडक्ट इन रिएक्शन टू? यस, इट इज द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. इन केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट एस इज आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट एस इज आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. द चेंज ऑफ द रिएक्टेंट इन टू द प्रोडक्ट इज शोन थ्रू एन एरो. यूज ऑफ प्लस साइन इज मेड वेन देर आर मोर देन वन रिएक्टेंट और देर आर मोर देन वन प्रोडक्ट. लेट अस सी इफ यू कैन कंप्लीट द रिएक्शन गिवन बिलो. कैल्सियम क्लोरीन, कैल्सियम क्लोराइड. तो जो एक सब्सटेंस है वो केमिकल चेंज के अंदर जो जाता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं. और केमिकल चेंजेस के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट का फॉर्म सॉरी जो चीज हम लोग को ऑब्टेन करते हैं उससे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं. तो रिएक्शन हम लोग का वन था जिसमें जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन था उसका हम लोगों ने केमिकल चेंज हुआ तो वो रिएक्टेंस करवाया कहलाया. और जो रिएक्शन टू में जो जिंक एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी रिएक्टेंस है. वैसे ही जो रिएक्शन वन में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोगों ने ऑप्टेन किया न्यू सब्सटेंस के फॉर्म में तो वो हमारा प्रोडक्ट है. वैसे ही जो हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है रिएक्शन टू में वो भी हमारा प्रोडक्ट है. और जो केमिकल रिएक्शंस का जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है. और जो रिएक्टेंट का और रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसके उसको हम लोग शो करने के लिए बीच में एरो डालते हैं. और जो हम लोग प्लस साइन का यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल के रिएक्शन करते हैं, फिर एक से ज़्यादा जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है हम लोग बीच में प्लस साइन का यूज़ कर करते हैं. सो यहाँ पे आपका नीचे में एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, आपको इसको कंप्लीट करना है. कैसे कंप्लीट करना है आपको यहाँ पे बताएं कि कहाँ पे प्लस का साइन होगा और कहाँ पे एरो का साइन होगा. उसके बाद ये आपका केमिकल इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो हियर इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. सो हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं, लिखते कैसे. इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज? यस, दिस कैन बी डन थ्रू अ केमिकल इक्वेशन. अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. इन द प्रीवियस लेसन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू रिप्रेजेंट कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल फॉर्मूला. नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर द वर्ड्स इन इक्वेशन, फर्स्ट वी गेट Mg + O2 MgO.
Similarly, substituting formula for both in equation B, we get Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2. तो और जो केमिकल चेंज है उसके और रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हम लोग के पास अगर शॉर्टर वे तो हम लोग उससे यूज करेंगे. और क्या है वो कि हम लोग जो केमिकल इक्वेशन जो भी करें उसके बाद ही हम लोग उसका जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये शॉर्टर वे है. और जो केमिकल इक्वेशन है वो तभी हम लोग लिए ज़्यादा यूजफुल है और कंसाइज है जब हम लोग उसके केमिकल फार्मूला को वर्ड्स के जगह पे यूज करते हैं. प्रीवियस लेसन में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो कंपाउंड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल फार्मूला. और अब आपको क्या करना है कि जो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाला जो रिएक्शन था और जिसमें हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग को मिला था उस वाले वर्ड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. जैसे मैग्नीशियम का एम जी हो गया फॉर्मूला और ऑक्सीजन का ओ टू. और हम लोग जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्टेन किए थे प्रोडक्ट के फॉर्म में वो एम जी ओ के रूप में यहाँ पे लिखा गया. सो सिमिलरली जो सब्सटीट्यूटिंग फॉर्मूला जो इक्वेशन बी था हम लोग का उसमें जिंक था और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था. तो यहाँ पे हम लोग का जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन हो गया. Do you remember the law of conservation of mass studied in the previous lesson? According to it, the mass and the number of atoms present in the reactant should be equal to the mass and number of atoms present in product. Let us count the number of atoms on both sides, left hand side and right hand side of the chemical equations 3 and 4. We find that in equation 3, the numbers of oxygen atoms on the right hand side and the left hand side are not equal. However, in 4, the number of atoms are on both the sides is equal. Such chemical equations in which the number of atoms is not equal on both sides of the arrow but still represent chemical reactions are called skeletal chemical equations. Skeletal chemical equations can be balanced by using suitable coefficients in the equation. We shall study the balancing of chemical equation in the following section. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि आप उसको याद है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि जितने भी जो मास है या फिर जो नंबर है एटम्स के वो रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं मास पे और जो एटम्स हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो हम लोग जो नंबर ऑफ एटम्स है फर्स्ट वाले जो यहाँ पे क्वेश्चन थ्री है उसमें हम लोग काउंट करेंगे. तो यहाँ पे जो एम जी है वो वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं टू है, यहाँ पे वन ही है. सो यहाँ पे ये अनबैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत है. बट ऐसे केमिकल इक्वेशंस जो बैलेंस नहीं है बट फिर भी वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस बोला जाता है. और जो ऐसे स्केलेटल जो केमिकल इक्वेशंस है उनको बैलेंस करने की जरूरत है. कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे? तो सुटेबल कोफिशियंट की हेल्प से. और हम लोग नीचे जो फॉलोइंग सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. So here is the topic, balanced chemical equations. According to the law of conservation of mass, matter can neither be created nor destroyed. Thus, mass of each element present in the products of a chemical reaction must be equal to its mass present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction. In a balanced chemical equation, number of atoms of a particular element present in the reactants and products must be equal. If not, equation is said to be not balanced. Let us consider the above two equations 3 and 4. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसलिए जो मास है हर एक एलिमेंट का वो प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में. जैसे कि जो रिएक्टेंट्स है उसके जो मास है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए मास. तो हम लोग दूसरे वर्ड में इसको बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर है एटम्स के ईच एलिमेंट में वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो सेम रहता है बिफोर अ केमिकल रिएक्शन और आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. और जो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पार्टिकुलर एलिमेंट के वो रिएक्टेंट्स में भी प्रेजेंट होना चाहिए और प्रोडक्ट्स में भी इक्वल ही होना चाहिए. अगर नहीं है तो ये जो इक्वेशन है उसे नॉट बैलेंस्ड बोला जाएगा. यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 3 एंड 4 को ले रहे हैं. यहाँ पे जैसे कि एम जी वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला है और ये जिंक सल्फेट वाला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन वाला. ठीक है. So, which one of the above two is balanced? It is quite obvious that equation 4 is balanced as the number of Zn, H and F atoms are equal on both sides of the equation. Therefore, equation 4 is said to be a balanced chemical equation.
Now, what about equation 3? By simple inspection, we can see that the number of atoms of magnesium in the project site, however, the number of atoms of oxygen on the reactant side of 2 in O2, but only one atom of oxygen is in the product site, is MgO. To make the same number of atoms of oxygen in the product side, we shall have to write 2MgO. Now the equation becomes Mg plus O2 arrow 2MgO. It means जो ऊपर में हम लोग का जो भी equations दिया गया 3 and 4, तो हम लोग इसका inspection करेंगे simply तरीके से. तो हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग का equation 4 है उसका जो जितने भी उसमें हम लोग को इक्वेशंस में जितने भी एटम्स है वो सारे सेम दिख रहे हैं, मतलब उनके जो नंबर है वो इक्वल है. जेड एन हो चाहे वो एच हो या एस हो, तो इट मीन्स ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. और हम लोग अगर सिंपल इंस्पेक्शन करेंगे नंबर 3 इक्वेशन पे, तो क्या दिखेगा, जो रिएक्टेंट में कुछ और नंबर लिखा हुआ लग रहा है और जो जो उसका प्रोडक्ट है उसमें वो चीज़ है नहीं, इट मीन्स वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है. सो हम लोग इसमें कोफिशियंट ऐड करेंगे MgO के पहले 2 लगाएंगे, तो ये जो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा. इन द अबव इक्वेशन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. फॉर बैलेंसिंग द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स वी नीड टू पुट 2 बिफोर Mg एंड द इक्वेशन बिकम्स इक्वल. तो आपने अबव इक्वेशन देखा, उसमें जो क्या था कि जो मैग्नीशियम के साइड प्रोडक्ट के मैग्नीशियम में क्या था कि वन एटम्स का शॉर्टेस्ट था, तो हम लोगों ने उसे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या किया, 2 लगा दिया और हम लोग का जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया. ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो एंड द केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड. दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द हीट एंड ट्रायल मेथड. तो हम लोगों ने क्या किया, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला था उसके जो एटम्स थे वो बोथ साइड इक्वल नहीं थे एरो के, सो हम लोगों ने उसे बैलेंस किया. और इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड. Let us consider another reaction for writing and balancing of a chemical reaction. When steam is passed over red hot iron, hydrogen gas is evolved and magnetic oxide of iron Fe3O4 is obtained. This can be expressed as Fe plus H2O arrow F3O4 plus H2O. तो हम लोग एक और reaction लेते हैं, उसमें हम लोग chemical reactions को balance करने की कोशिश करेंगे. जब हम लोगों ने red hot iron से steam को pass किया तो hydrogen gas का evolve हुआ और जो मैग्नेटिक ऑक्साइड आयरन का वो ऑब्टेन हुआ. तो हम लोगों ने ऐसे एक्सप्रेस किया. उसके बाद इफ वी एग्जामिन द अबव इक्वेशन वी फाइंड दैट द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस. लेट अस ट्राई टू बैलेंस इट यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. तो हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, तो हम लोग इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. सो हियर इज द स्टेप टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. सो स्टेप वन क्या है, स्टडी द इक्वेशन केयरफुली एंड राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इम्बैलेंस्ड इक्वेशन. तो हम लोग को पहले इक्वेशन को पहले ध्यान से केयरफुली देख लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद उसके जो एटम्स है उसको लिखना है डिफरेंट एलिमेंट्स के. सो हियर क्या इज द टेबल 4.1 विच शोज कंपेयरिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. सो ये रिएक्टेंट साइड लेफ्ट हैंड साइड और ये जो प्रोडक्ट साइड है वो राइट हैंड साइड है. तो यहाँ पे Fe H और O इसका जो नंबर है उसमें रिएक्टेंट में 1 है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड 3 है. H का दोनों तरफ इक्वल है बट O है उसका भी यहाँ पे अनइक्वल है, अनबैलेंस्ड है. तो यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है O और यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 है. सो वी हैव स्टेप 2, वी शुड स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. द कंपाउंड मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट. इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बिसाइड ऑन दिस. सेलेक्ट F3O4 इन द अबव इक्वेशन. इन F3O4 द एलिमेंट ऑक्सीजन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो. फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट द कोफिशियंट फॉर as 4H2O. Now the equation becomes partially balanced. So हम लोग कुछ steps को follow करेंगे. Basic steps है जिससे हम लोग कैसे chemical equations को हम लोग balance करेंगे, उसे हम लोग सीखेंगे इसमें. तो हम लोग को जब compounds को
बैलेंस करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ एटम्स जिसके मैक्सिमम उसे पहले देखेंगे, फिर जो कंपाउंड होगा या रिएक्टेंट साइड का हो या प्रोडक्ट साइड का हो इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, और जो कंपाउंड है हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ जिसके जा रहे हैं, और इस सिलेक्शन के आधार पर हम लोग देखेंगे जो Fe3O4 हम लोगों ने एटम्स को चूज किया, ठीक है, Fe3O4 को चूज किया, और इसमें जो Fe3O4 है एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम नंबर क्या है एटम्स का, उसमें एक साइड 4 है तो एक साइड 1 ही है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 4 जो हम लोग का है Fe3O4 सॉरी जो H2O यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है उसके आगे हम लोगों ने क्या किया 4 लिख दिया, ठीक है, तो ये जो हमारा जो इक्वेशन है वो पार्शियली बैलेंस्ड हुआ, मतलब फुली अभी बैलेंस नहीं हुआ पूरी तरह से, ये पार्शियल मतलब थोड़ा सा ये बैलेंस्ड हो चुका है। नाउ वी हैव टू फॉलो स्टेप 3, हियर Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स, फॉर दिस मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द RHS ऑफ द एरो, द इक्वेशन नाउ बिकम्स अगेन पार्शियली बैलेंस्ड, तो यहाँ पे जो Fe है और जो एटम्स H के वो भी अभी तक बैलेंस नहीं है, तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के उसके राइट हैंड साइड के आगे हम लोगों ने 4 ऐड कर दिया, तो जो हमारा इक्वेशन है वो अगेन पार्शियली बैलेंस्ड ही बना, वो अभी फुल बैलेंस्ड नहीं हुआ, वो टोटली बैलेंस्ड नहीं हुआ है। So we have to follow step 4th. Now out of the 3 elements only Fe remains imbalanced. For balancing iron we write 3 atoms of iron on the left hand side and the equation becomes 3Fe plus 4H2 Fe3O4 plus 4H2. तो हम लोग के जो 3 elements थे उसमें से जो Fe था वो remain imbalanced हो गया, तो हम लोग उसको balance करने के लिए Fe के आगे 3 जोड़ दिए, तो हमारा equation है वो क्या है बैलेंस्ड हो चुका है। सो हियर स्टेप 5, फाइनली काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड आयरन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो आर इक्वल एंड दस द बैलेंस्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड। सो हम लोग फाइनली जब हम लोग उसको बैलेंस कर दिए तो उसके एटम्स के जो नंबर है उसको काउंट करेंगे, 3 एलिमेंट्स के बोथ साइड हम लोग देखेंगे एरो के, तो हम लोग पाएंगे कि जो एटम्स ऑफ जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन का है या फिर आयरन का है उनके जो एटम्स है वो इक्वल हो चुके हैं। सो नाउ वी हैव बैलेंस्ड आवर इक्वेशंस। Now we have another topic which is how can we make a chemical equation more informative. अब जो हम लोग जो chemical equation लिखते हैं उसको हम ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा informative कैसे बनाएं कि ये ज़्यादा सूचना हम लोग को एक नज़र में पहुँचा दे, जैसे कि इन द balanced equation जो हम लोग का ये जो balanced equation है इसमें तो हम लोग को इससे कुछ खासा पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है या फिर कौन सा क्या है, सो हम लोग इस चीज़ को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, we have no information about the physical states of the reactants and the products, that is whether they are solid, liquid or gas, by using S for solids, L for liquids and G for gases along with reactants and products we make a chemical equation more informative, thus the above equation can be written as। तो हम लोग को यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं कि जो हम लोग रिएक्टेंट्स या जो प्रोडक्ट उसका फिजिकल स्टेट है क्या वो सॉलिड है लिक्विड है या गैस है, तो हम लोग सॉलिड्स के लिए एस यूज करेंगे, लिक्विड्स के लिए एल यूज करेंगे और गैसेस के लिए जी यूज करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या फिर प्रोडक्ट साइड में हो, तो हम लोग उस जो इस तरह से हम लोग अपने केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, और जो अबव इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, 3Fe(S) plus 4H2O(G), it means ये है जो solid है और इधर जो है वो gas है, उसके बाद arrow side में क्या है Fe3O4 solid है और 4H2O है वो gas है। Here G by the side of H2O clearly indicates that water used in the reaction is in the form of steam or gas. Further, if a reactant or product is taken as a solution in water, we denote it by writing aqueous. For example. So here is the example, sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are also indicated above and or below of the arrow in the equation. For example, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। So हम लोग यहाँ से clearly जान गए कि जो G था यहाँ पे H2O के side में तो वो गैस के रूप में है, क्योंकि वो शायद जो पानी है शायद नहीं कंफर्म, जो पानी हम लोग स्टीम या फिर गैस के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और जो रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन है वाटर में, और हम लोग इसे एक्वस के रूप से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्विक लाइम का दिया है, इसका रिएक्शन करवाया गया हाइड्रोजन सॉरी वाटर के साथ, तो ये स्लेक्ट लाइम बन गया, ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो जो कभी कभी जो रिएक्शंस का कंडीशंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, और हम लोग इसे एरो के ऊपर में या फिर एरो के नीचे में भी लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
यहाँ पे 340 एटम एटीएम लिखा हुआ है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। और यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो किस चीज का फॉर्मूला है? फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सनलाइट का यूज हुआ, क्लोरोफिल का यूज है, ये सब जितने भी है वो आपको या तो एरो के ऊपर लिखना है या फिर एरो के नीचे लिखना है। सो हियर इज द इम्पोर्टेंट टिप फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे हम लोग केमिकल इक्वेशन के बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे दिया, तो उसे हम लोग देखते हैं क्या है। यूज द सिंपलेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ होल नंबर कोएफिशिएंट्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नॉर्मली वी डू नॉट राइट फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स इन सच इक्वेशंस एज मॉलिक्यूल्स आर नॉट अवेलेबल इन फ्रैक्शंस। वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय एन एप्रोप्रिएट नंबर टू एंश्योर द एंटायर इक्वेशन हैज होल नंबर कोएफिशिएंट्स। तो हम लोग को क्या करना है कि जो भी हम लोगों ने कोएफिशिएंट्स को यूज करना है, तो उसे सिंपलेस्ट जितना पॉसिबल उसी के उतना से उतना हम लोग को सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट्स होल नंबर के यूज करना है। और हम लोग को ज्यादा बड़ा वाला फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखना है कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो अवेलेबल ना हो फ्रैक्शंस में। और हम लोग जो भी इक्वेशंस लिखते हो जो उसके उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे अप्रोप्रिएट नंबर के साथ करना चाहिए, ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सके जो एंटायर इक्वेशन हम लोग ने लिखा है वो होल नंबर कोएफिशिएंट्स में अवेलेबल हो। Do not change subscripts in formula of reactants or of products during balancing, as that may change the identity of the substances. For example, 2NO2 means 2 molecules of nitrogen dioxide, but if we double the subscript, we get N2O4, which is the formula of dinitrogen tetroxide, a completely different compound. तो हम लोग जो फॉर्मूला या रिएक्ट फॉर्मूला है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के में जो हम लोग बैलेंस करते हैं, तो उसे हम लोग उसके सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना चाहिए करना है। इट मीन्स उसके अगर हम लोग उसके सबस्क्रिप्ट को चेंज करते हैं, तो उसका जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है उस सब्सटेंस का। जैसे कि एग्जाम्पल के जो 2NO2 का मतलब क्या होता है कि एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जिसमें जो दो मॉलिक्यूल्स किसका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अगर हम लोग इसके सबस्क्रिप्ट को डबल कर दें, N2O4 लिखे, तो ये किसका है फॉर्मूला? डाइनाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड का, जो कि डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड है। किससे डिफरेंट है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। वेल, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से, तो हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन।